23 अगस्त 2023 ये तारीख दुनिया के इतिहास में अमर हो चुकी है, क्योंकि इस दिन हमारा देश भारत चंद्रयान 3 के जरिए मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था। अब ये तो आप सभी जानते ही हो, लेकिन क्या आप मानोगे कि हम इंसान 2309 BC में ही मून लैंडिंग कर चुके हैं। वेल, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि चाइना के 3 Sovereigners and 5 Emperors नाम की एक एंशियंट बुक की कहानी को बयां करती है। क्या आप जानते हो कि चाइना ने अपने मून मिशन का नाम चैंग ई क्यों रखा था? क्योंकि चाइनीज माइथोलॉजी में चैंग ई को चंद्रमा की देवी माना गया है। 23rd Century BC में चाइना पर एम्परर याओ का राज हुआ करता था। याओ के दरबार में एक इंजीनियर थे जिनका नाम हो यी था, और चैंग ई इनकी ही पत्नी थी। अब ऐसा कहा जाता है कि हो यी के पास अमृत हुआ करता था, जिसे एक दिन चैंग ई चुरा लेती है, और जब वो उसे पीती है तो इतनी ज्यादा हल्की हो जाती है कि वो उड़ती हुई चांद पर पहुंच जाती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक आईफोन जीत सकते हो सिर्फ 1 रुपए में, पर आप तो बैठे ही रह गए। और ये देखिए, सुमित कुमार फ्रॉम गाजियाबाद ने जीत लिया iPhone 14, पर इस बार मौका और बड़ा है, क्योंकि आपको मिल सकता है न्यूली लॉन्च्ड iPhone 15 सिर्फ 1 रुपए में। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। अब इसी लेजेंड के एक दूसरे वर्जन में ये भी कहा गया है कि हाउ यी और चैंग ई दोनों एक सेलेस्टियल बर्ड पर सवार होकर मून की सैर पर गए थे। अब वो दोनों मून के बारे में बहुत से इन्फॉर्मेशन भी मेंशन करते हैं, जो हमारी आज की नॉलेज से काफी हद तक मैच करती है। जैसा कि हाउ जी कहते हैं कि मून की सरफेस पर उन्हें सूरज उगता या ढलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, जबकि चैंगी कहती है कि मून बहुत ज्यादा बड़ा है, ये कांच की तरह चमकदार है, लेकिन इसको लाइट सूरज से मिलती है। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर ये दावे सही है तो आज से 4000 साल पहले के इंसानों को चांद के बारे में इतनी डीप इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है? अब ये एक ही तरीके से पॉसिबल है कि वो फिजिकली मून पर गए हो। और दोस्तों, ये हमारे इतिहास का एकमात्र ऐसा इंसिडेंट नहीं है, बल्कि दुनिया भर की एंशियंट सिविलाइजेशन में हमें ऐसे कई सबूत मिलते हैं जो चांद और सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर इंसानों की यात्रा, और यहां तक कि इंसानों के द्वारा हमारी गैलेक्सी में भी स्पेस ट्रैवल करने के दावे करते हैं। अब ऐसी ही एक कहानी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, जहाँ के नॉर्दर्न रीजन में ज़ियोंग नू नाम की जगह पर साल 1725 में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर डूपार्क पहुँचते हैं। डूपार्क देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मॉन्क्स हैं जो एक अजीब से पत्थर की पूजा कर रहे हैं। अब जब वो उनमें से एक मॉन्क से इस पत्थर के बारे में पूछते हैं ना, तो वो बताते हैं कि ये मून से पृथ्वी पर गिरा है। जी हाँ दोस्तों, और कुछ सोर्सेस में ऐसा भी मेंशन्ड है कि उस पत्थर को इंसानों द्वारा फिजिकली मून से लाया गया था। अब डूपार्क उसे अपने साथ फ्रांस ले जाते हैं और फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस में उसे डोनेट कर देते हैं, जहाँ इस पर रिसर्च की जाती है और ये वेरीफाई किया जाता है कि यस, ये मून का ही पत्थर है और लाखों करोड़ों साल पुराना है। अब ये स्टोरी कितनी सच है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त, इतिहास में ऐसे कई राज छिपे हुए हैं जिनसे आज का इंसान पूरी तरह से अनजान है। अब दोस्तों, उड़ने वाले विमानों की चर्चा तो प्राचीन भारत के पुराणों और महाकाव्यों में भी पढ़ने को मिलते हैं। जैसे कि रामायण को ही ले लीजिए, जहां रावण के पुष्पक विमान की चर्चा है जो कुबेर ने उन्हें दिया था। ये विमान अनबिलीवेबल स्पीड से उड़ सकता था और धरती से स्वर्ग तक जाने की एबिलिटी भी रखता था, मतलब कि ये स्पेस ट्रैवल भी कर सकता था। रशियन हिस्टोरियन डॉक्टर व्यासेस्लाव जेत्सेव ने भी अपनी बुक टेंपल्स एंड स्पेसशिप्स में रामायण के इस विमान के बारे में मेंशन किया है। उनके अनुसार ये एक 2-स्टोरी चैरियट था जिसमें कई सारी विंडोज थी। आसमान में ये कॉमेट की तरह लगता था और ये सोलर और स्टेलर दोनों रीजन्स में ट्रैवल कर सकता था। अब इस लास्ट वाली स्टेटमेंट पर थोड़ा गौर करें तो पुष्पक विमान न केवल सोलर सिस्टम में बल्कि तारों के बीच भी ट्रैवल करने की एबिलिटी रखता था। त्रिपुरा विमान भी ऐसी एक रहस्यमयी स्पेस व्हीकल थी जो वैमानिक शास्त्र में मेंशन है। ये विमान 3 मंजिलों का था और त्रिनी तारा नाम के स्पेशल मेटल से बना हुआ था। ये विमान शक्ति नाम के एक मिस्टीरियस एनर्जी सोर्स पर चलता था, जिसके बारे में हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। ये पानी के अंदर और यहाँ तक कि स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता था। अब ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें कई तरह के एडवांस वेपन्स जैसे मिसाइल्स और लेजर्स भी लगे हुए थे। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 15, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। ये ऑफर इतना इनक्रेडिबल है कि आपको खुद देखकर विश्वास करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करो My11 Circle और टीम बनाओ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए। गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो शानदार आईफोन 15। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फी है जस्ट 1 रुपए। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस
ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए वैलिड है और सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए, तो इसे मिस मत करना। मेगा कॉन्टेस्ट के टॉप प्राइज में जीतो एसयूवी कार और साथ में क्रेजी कैश प्राइजेस। नाउ इफ यू डाउनलोड फ्रॉम द बिलो लिंक एंड यूज माय कूपन कोड, यू विल गेट 20% एक्स्ट्रा रियल कैश इनटू योर माय 11 सर्कल अकाउंट। सो डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड मेक योर टीम फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नाउ। अब दोस्तों, डेविड हैशर चाइल्ड्रेस, इन्हें आपने एंशिएंट एलियंस के कई सारे एपिसोड्स में देखा होगा। इनके द्वारा पब्लिश्ड एक बुक विमान्स ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड अटलांटिस में अरुण विमान का जिक्र मिलता है। अब इस विमान को सूर्य देव इस्तेमाल किया करते थे। कहते हैं कि ये फिजिकल मैटर से नहीं बल्कि लाइट से बना हुआ था और सूरज की किरणों से चलता था। अब दोस्तों, महाभारत में भी सौभा नाम का एक विमान की चर्चा है जो पांडवों के पास हुआ करता था। ये विमान सोने का बना हुआ था जिसे सिर्फ इसको चलाने वाला ही कंट्रोल कर सकता था और ये पृथ्वी ही नहीं दूसरे ग्रहों पर जाने की पावर भी रखता था। श्रीमद् भगवतम के तीसरे सर्ग में करदामा मुनि की कहानी मिलती है जो अपनी शक्तियों से उड़ने वाले एक विमान बनाते हैं और अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। महाभारत में हिरण्यपुरा नाम के एक शहर का जिक्र है जो धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में हुआ करता था। जी हाँ, पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में। आज हम आउटर स्पेस में जिन सेल्फ सफिशिएंट सिटीज के सपने देखते हैं ना, वो महाभारत के दौरान रियलिटी में हुआ करते थे। और यार, रियलिटी पर तो आप शक कर भी सकते हो, लेकिन अगर हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में इतनी एडवांस सोच भी मौजूद है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। खैर, होता कुछ यूं है कि पुलोमा और कलका नाम की दो राक्षसनी होती है, ये दोनों हजारों सालों तक ब्रह्मा की उपासना करके एक वरदान हासिल कर लेती है जिसमें अपने बेटों के लिए एक ऐसी जगह मांगती है जहां कोई भी देव उनको ना मार सके। ब्रह्मा उन्हें हिरण्यपुरा शहर देते हैं जहां इन दोनों राक्षसनियों के कुल के राक्षस रहा करते थे, जिन्हें पौलामा और कालकेया के नाम से जाना जाता था। अब इन्होंने इंद्र के नाक में दम करके रखा था और क्योंकि इंद्र देव थे तो वो उनको नहीं मार सकते थे। ऐसे में अर्जुन इंद्र के रथ पर सवार होकर हिरण्यपुरा पहुंचते हैं और सारे राक्षसों को मार डालते हैं। हमारे प्राचीन टेक्स्ट में गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन बताया गया है जो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकता था। अब दोस्तों, इटली के फ्लोरेंस में जब आप पैलाजो वेचियो टाउन हॉल में एंटर करते हैं तो यहाँ के हरक्यूलेस रूम में मैडोना एंड चाइल्ड विद द इन्फेंट सेंट जोन इस नाम की एक पेंटिंग देखने को मिलती है। इसे आवर लेडी ऑफ द फ्लाइंग सॉसर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब आप इस पेंटिंग के ऊपर की ओर देखते हो तो यहाँ आपको एक फ्लाइंग सॉसर जैसी कोई चीज नजर आती है। यूरोपियन हिस्ट्री में हमें और भी कई मिस्टीरियस पेंटिंग्स देखने को मिलती है जिसके बारे में मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था। यूरोप से अगर आप दुनिया के दूसरे किसी कोने की ओर चले गए तो न्यूजीलैंड में रहने वाले माओरी ट्राइब्स के बीच भी स्पेस और मून से जुड़े कई लेजेंड्स सुनने को मिलते हैं। माओरी माइथोलॉजी में मनु नाम की एक विशाल बर्ड का जिक्र मिलता है जिसे देवों ने पृथ्वी और मून के बीच खाना और दूसरे सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया था। अब ये बर्ड ही थी या कोई विशालकाय स्पेसशिप, ये तो हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह गया। ऐसी एक स्टोरी ताने माहुटा के बारे में भी है जो माओरी माइथोलॉजी में गॉड ऑफ फॉरेस्ट हुआ करते थे। कहते हैं कि ताने माहुटा ने जंगलों में लकड़ी और बर्ड फेदर्स की मदद से एक फ्लाइंग मशीन बनाई थी जिसका नाम वाका रेरांगी रखा गया था। ये मशीन हवा से चलती थी और इस पर सवार होकर मून पर जाना भी संभव था। माओरी माइथोलॉजी में एक कहानी रोना नाम की औरत की भी मिलती है जो मून पर गई थी। एक रात वो अपनी सब्जियों को पानी दे रही होती है तभी अचानक से मून बादलों के पीछे छिप जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। ऐसे में रोना किसी चीज से टकरा जाती है और इससे गुस्सा होकर वो मून के बारे में बुरा भला कहती रहती है। तभी मून पृथ्वी पर आ जाता है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। अब दोस्तों, आई नो कि ये स्टोरी आपको बचकानी लग रही होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे पूर्वज जब मून पर जाने की बात को इमेजिन कर रहे होते हैं तो ये हमारे दिमाग में कई सवालों को जन्म देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हजारों साल पहले उनके पास इतनी डीप नॉलेज और थिंकिंग मौजूद ही कैसी थी। अब मैं आपको ले चलता हूँ एंशिएंट सुमेरिया में, जहाँ किश नाम की एक जगह हुआ करती थी। कहते हैं कि करीब 3000 BC में यहाँ इटाना नाम के एक राजा राज्य करते थे जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। इटाना भगवान से संतान का वरदान मांगने के लिए स्वर्ग में जाना चाहते थे, जिसके लिए वो एक ईगल से मदद मांगते हैं। वो ईगल इटाना के सामने शर्त रखता है कि वो एक सांप को मार डाले जो ईगल का रास्ता रोक रहा होता है। इटाना उस सांप को मार डालते हैं और फिर वो ईगल उन्हें भगवान के पास स्वर्ग में ले जाते हैं। अब भगवान उन्हें वरदान देते हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। अब यहाँ पर कहते हैं कि जब इटाना ईगल पर बैठकर जा रहे होते हैं उस समय उन्हें आसमान से पृथ्वी का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है जिसके बारे में बुक ऑफ इटाना में भी लिखा हुआ है, लेकिन अफसोस मॉडर्न ह्यूमंस के पास इसके कुछ फ्रैगमेंट्स ही मौजूद है जो फिलहाल ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं।
अब दोस्तों जरा इन इमेजेस को देखिए। ये इमेजेस साल 1972 में नासा के मैरिनर 9 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा मार्स पर ली गई थी, जो यहाँ के साउथ पोलर रीजन में मौजूद एंगस्टस लैबिरिंथस नाम की जगह की है। उस समय के वैज्ञानिकों ने इसका नाम इंका सिटी रखा था, क्योंकि ये किसी प्राचीन शहर के खंडरों जैसा लगता है। तो क्या फिर ये मार्स पर किसी प्राचीन शहर के सबूत है? वेल, मॉडर्न साइंटिस्ट ने तो इन्हें नेचुरल सैंड ड्यून्स कहकर नकार दिया है, लेकिन पॉसिबल है कि इन सैंड ड्यून्स के नीचे किसी विशाल मार्शियन सिटी के रुइंस छिपे हुए हो। अब मैं आपको चांद की सरफेस पर मौजूद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की फोटो दिखाता हूँ जिनके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा, और ये आपके दिमाग में सवालों की बाढ़ ला देने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ये है क्रेटर बर्ड, इसके बगल में मौजूद ये लंबी सी लाइन आखिर कैसे बनी होगी? क्या ये किसी एंशियंट रिवर का रास्ता है, या फिर किसी एलियन स्पीसीज के द्वारा की गई खुदाई के सबूत है? और ये है क्रेटर एराटोस्थेनिस की तस्वीर, जिसके बीचों बीच हमें एक चेहरा नजर आता है। मून के क्रेटर गासेंदी में हमें कई स्ट्रेंज एंगुलर फॉर्मेशंस देखने को मिलती है, तो वहीं पर क्रेटर लिट्रो को गौर से देखने पर हमें यहाँ ग्रीक लेटर गामा का स्ट्रक्चर नजर आता है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या पृथ्वी पर रहने वाले एंशियंट ह्यूमंस ने सच में मून और दूसरे प्लैनेट्स की सैर की थी, और क्या सच में उन्होंने यूनिवर्स की उन जगहों को एक्सप्लोर किया होगा जिनके बारे में आज हम प्राचीन टेक्स्ट में पढ़ते हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना मत भूलना, और हाँ, लाइक में कंजूसी मत करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। तो उसे जाने से पहले माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, साथ ही साथ मौका पाओ आईफोन 15 जीतने का। साथ ही अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।